लाओ तुम्हारे घर की मट्टी लाओ, सुनेंगे उसको भी। अभी कहाँ से लेंगे? सोन पेट नहीं है। घर से लाओ। कल मंगा के लो। जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको। जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसके हाथ काट दिया। जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो। जकड़ो उसको और तेज। जिसके बाप को तूने मारा है, मार मार के कमजोर कर देता उसको। तू कहीं कोई फिर निदा? तेरे बाप को हमने बहुत समझाए कि जुलूम मत दे, किसको जुलूम मत दे। उन्होंने बोला था लोगों की जान लेता हूँ, जान लेता हूँ किसकी भी। मैं बोला नहीं लेना, वैसा अच्छी बात नहीं है। मेरी ख्वाहिश पूरी करने मैंने भेजी थी। क्या ख्वाहिश थी तेरी? मैं इससे प्यार करती हूँ। बत्ती और जिकर नहीं है तो मैं कभी भी सामने नहीं आ सकती थी। बंद करो बोल उसको। और ज्यादा कराओ वो दबा के पत्तियों का मंगवा सकते। जिकर बंद कराओ बोल। चल बता तेरे साथ क्या सुलूक करना। की हालत सिंधिया कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो ले जाती हूँ उसको। कहाँ ले जाने वाली तू? मेरे कबीले का। कई को शादी करना है इससे? हाँ। तू इंसान नहीं है, तू जिन्नात है। इंसान से कैसी शादी होगी जिन्नात की? मैं इसको ताकतवर बना देता। गलत। पहले इसका बाप आया था, क्या नाम था तेरे बाप का? शमशुद्दीन। शमशुद्दीन सुल्तान शमशुद्दीन था। सुल्तान था, एक सिपाही था वो। बादशाह था। बादशाह था। कितनी फौज थी उसकी? 15 लाख है फौज। कितनी? 1500। 15 लाख है फौज। 15,000। 15 लाख। 15 सिपाही। 15 लाख है फौज। अच्छा, इतना बड़ा सुल्तान रह के मनमानिया कर रहा था तेरा बाप, कैसा करे फिर उसको हमने कमजोर? तूने पूरा कमजोर कर दिया वो, इसलिए नहीं आ सकता, इसलिए मैं तेरे साथ हो गया। तुझे क्या करना वो सोच रहा हूँ। तू कौन है? उसने मेरे बाप ने तो छोड़ दिया, कम से कम इसको तो दे दे। तू कौन है? उसके तेरे बाप की बेटी है? बेटा है? बेटी हूँ मैं। हाँ बेटी हूँ मैं। बेटा है? बेटी हूँ मैं। बेटी है? शादी हुई तेरी? नहीं हुई, नहीं हुई, इससे करना है। उम्र कितने हजार साल है तेरी? 175। हजार के साल? 175। 175। 175 200 साल के लगभग की, पौने 200 साल हो रहे क्या वो? कौन 200 साल की उम्र की है तू? अभी तक एक भी शादी नहीं हुई तेरी? नहीं हुई। तेरे अब्बा की उम्र कितनी थी? 500 साल है मेरे। अच्छा, फौज में और कितने सही सही जिन्नात हैं तुम्हारे फौज में? मैं थोड़ी फौज दे दी है, मेरे बाप ने मुझे थोड़ी फौज दे दी। फौज दिया? हाँ, मैं इसको महल में लेके थे और फौज को बता दी है। मैं इसको, मैं वो फौज को यही संभालेगा, इसको बादशाह बना दूंगी, इसका मलिका मैं बन के रहूँगी। गलत है ये, सब गलत है। पहले उसका बाप आया था इसके आंग में बच्चे की, ये सुल्तान शमशुद्दीन नाम का जिन था, उसके पास 15 लाख की फौज है ऐसा वो बोल रहा था। उसको पकड़ लिए, जकड़ लिए उसको। मुसलमान तो था वो, क्यों और तो मुसलमान बादशाह की औलाद है खबीस की है। मैं मुसलमान था इसलिए मैं मुसलमान से ही प्यार करूँ।
तो मुसलमान बादशाह इसका बाप था, उसके बाद में उसको शहनशाह बनने का था, बोलते इसको मार के ले जाके, अब बाद में उसके बाप को कैद करा दी, पकड़ के सब जो भी है तो कमज़ोर करा के सही तरीके से इबादत करने वाला बना दिए। तब ये बेटी आई लड़ने के वास्ते, अब ये बेटी बोल रही थी करते इसको लेके जाती फौज, इन्होंने भी क्या बोलते तो कितनी तो टुकड़ी ली उसके बाप से मंग के थोड़ी बहुत फौज की, और वो लेके इसको ले जानी को और क्या कर रही थी भाई, तलाक कर दे तो इसकी पांचवे दिन में, 8 महीने शादी, अच्छा इसकी बीवी से तलाक करा रही उन्हें इसका, करा दे तो भाई पांच छह दिन में एक झटके में। क्या तू शादी करती उससे? हाँ हाँ, ये कौन सी शादी है, बरातियाँ कौन रहेंगे इसमें फिर? मेरी फौज है। हाँ है, जमता नहीं ना वैसा, तुम्हें मन मानिया मैं लिख जा, तो मैं लिख जा के इसको ताकतवर, तुम्हारे बाबा भी नहीं मान रहे थे बेटे, ऐसा नहीं मान रहे थे, बड़े बड़े बात कर रहे थे, बाद में उनको बहुत मारे कुटे पकड़ के, बाद में अक्ल ही उनके ठिकाने को, देखो मारने लगूं। हाँ उन बोल तो मरने से डरता, मैं इससे प्यार करी इससे मर जाता। गलत है ना बेटे, क्या नाम है तेरा? निदा। निदा ये गलत है, ये इंसान की और जिन्नात की मोहब्बत कैसी पॉसिबल होंगी ये दुनिया में? ये गलत है, ये कोई नहीं है बात, तो अल्लाह उसके रसूल के कानून कायदों के खिलाफ जा रही है बात, गलत हो रहा है ये। मैं इसको क्या नुकसान नहीं पहुंचा रही, गलत है ना, उसका तलाक करा रही ना तू, इसके पास कोई औरत नहीं आना फिर, करा दू गिरफ्तार, काट दू तेरे दोनों हाथा, मेरा है बस, मेरा बन के रहे। नहीं वैसा नहीं भी जान देते ना हम, लगा कितनी ताकत है मेरी, अब लगा पूरी, अब फौज की भी आवाज लगा ली, बात किया देख यहाँ पे, कुछ अल्लाह का निज़ाम भी चलता दुनिया में, खुदा के कुदरत के कानून कायदों के खिलाफ दुनिया में इंसानियत को जुल्म नहीं दे सकते, ये गलत दास्तान है वो। मैं इससे प्यार करूँ, इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता। नहीं इससे पहले तेरे बाबा भी आए थे आंग पे, सुल्तान शमशुद्दीन, उन्होंने बहुत सारे बात करे, बातें नहीं माने, मनमानिया कर रहे थे, बोल के उनको फिर वैसा कर दिया, देख ली मैं कैसा करे उनको, तो मैंने भेजी थी। क्या बोल के भेजी थी तूने उनको? मैं इससे शादी करना है मोना भाई, मेरी ख्वाहिश पूरी करो बोल को मैंने भेजी थी। तुम इस वास्ते इसको मार के लिए जा रहे थे? उसका मेरे बाप की कोई ख्वाहिश नहीं थी, मेरी ख्वाहिश पूरी करने थी। तेरा बाप तो बोला था शहनशाह बनने का था, बोलते उसको मार के, वो बाद में करने का काम था, पहले मन मेरे पास लाने वाले थे, मेरी नजर थी। मैं इसके जिस्म को काबू कर लिया। अच्छा हम भी देखो काबू कर लेते। अरे बत्ती जिगर में रहे जब भी, उठने के बाद पेट पकड़ लिया था, मान के इसका रहा था। लगाओ ना आगे, लगाओ पीठ पे खड़ी रखी की जो चल लगा पूरी ताकत, निदा पूरी ताकत लगा तेरी, निदा चिन्नात नहीं, काली है गोरी है, लगा पूरी ताकत लगा। एक औरत पे जुल्म ना को कर, छोड़ दे। मैं कहीं को जुल्म करूं? तू इंसानों पे जुल्म कर रही, वो गलत है ना। मैं इससे प्यार करता हूँ, इसको लिख जा तो मैं छोड़ दे। ऐसा प्यार नहीं रहता ना, अल्लाह से करना था प्यार, उसके लव में मिटना था, इंसानों से क्या प्यार है ऐसा, खलीस प्यार। बोल अब, शादी करना है उससे? नहीं करने देते ना, वैसा गलत है ना, शादी करना है इससे, शरीयत में वैसी इजाजत नहीं मिलती। शादी करने के बाद तो मोहब्बत करना है ना, मैं मोहब्बत करके शादी करूंगा। नहीं जिन्नातों की दुनिया में जा, तेरी तेरी दुनिया में दूसरे शहजादे से शादी कर लेगी, और जिन्नातों के शक्ल का हालत मालूम है तुझे? खूबसूरत बादशाह भी है ना उसमें, खूबसूरत शहजादे भी है ना बहुत सारे, कैसे रहते हैं मालूम है? इंसान के जैसे तो नहीं रहते है ना? नहीं रहते, मगर इंसान की तरफ तू नहीं आ सकती ना, शरीयत लांद नहीं सकती तू, शरीयत के कानून खाते तोड़ नहीं सकती। मैं इसको खत्म करके कुछ भी नहीं कर दे, बस मेरे साथ रह रहूं, अच्छी जिंदगी दे रहूं। नहीं वैसा नहीं ले जान देते हम, 1,40,000 की फौज देने वाली हूँ इसको मैं, क्या करने का, आलीशान जिंदगी जिएगा ये। वैसे क्या जिंदगी जी के मतलब, सबको कैद करा दूं पूरी फौज को? हाँ
फौज नहीं खाई उसके पास में, फौज खुद नहीं खाई। ये गलत है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, फतेह को अभी लड़ा लड़ा के पूरे इससे मारने लगूंगा, बाद में फिर बोलेंगे कि मैंने जुलूम करा, है ना। और तुम लोग जुलूम कर रहे तो गया खड्डे में। बोल, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना ही पड़ता तुझे छोड़ के। नहीं, इसको छोड़ के नहीं दे सकते, इसके साथ हमेशा रह सकते हैं, इसको छोड़ के तो नहीं रह सकते, इसकी आदत हो गई। नहीं जमता निदा, छोड़ देना पड़ता तुझे उसको। तेरे बाबा भी बहुत टट कर रहे थे, उनको भी मार पड़ी बहुत, बाकी रख ली उनके ठिकाने को। तेरे को मारने लगाना अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को, बाबा मारने को बहुत। हाँ तोड़ दो आता पिता। नहीं मैं कमजोर हूँ। हाँ मैं कमजोर हूँ, जोर से बोल। मैं कमजोर हूँ, छोड़ देना। सुनने नहीं आ रहा मुझे। मैं कमजोर हूँ, छोड़ देना। कैसा करना अब, क्या करना इनका समझ में नहीं आ रहा। अब इंसानों की दुनिया में आके कैसे मनमानिया चल रही है। पर अब्बा ले जाने को बादशाह शहनशाह, क्या है बादशाह था तेरा बाप, बाद में उनको जकड़ के मारे करे ना, बाद में भी है एक बेटी उनके लिए जाने को, इसको करते ही नहीं पसंद है। क्या करना, क्या फैसला देना उस पर, खत्म करके शीशे में उतार दे। हाँ खत्म कर दूं निदा, बाद में बोलना नहीं मुझे मैंने जुलूम करा बोल के पूरा भस्म कर दूंगा। इसके साथ रहना नहीं जमता वैसा, दुनिया के खिलाफ जा रहे वो रूल सारे। ये हाथों जकड़ कर छोड़ दे, जकड़ लो उसके हाथों को और तेजी से। हाँ चल बोल अब क्या करूँ। जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास। नहीं रहना पड़ता, इंसानों की दुनिया अलग है, जिन्नातों की अलग है। इसको अकेले करके तो क्या होता। कुरान पढ़ना सीखी तूने, कुरान आती तुझे पढ़ने? हाँ आता। पढ़ के सुना। क्या सुना? क्या आता पढ़ने? सुना नमाज पढ़ने आती तुझे? फिर नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के अल्लाह की इबादत कर रही नहीं तू? इससे मोहब्बत हो गई मेरे को। गलत बात है ना, वो बहुत गलत बात है। तुझे अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के लव में मिटना था, ये दुनिया के लव में नहीं। मैं सब कुछ कर रही हूँ अगर इससे मोहब्बत हो गई। देख मैं इतना मारने लगूंगा पुलिस से लड़ा के, बाद में बोलना नहीं मेरा नाम खराब नहीं है, कट कर रही बोल के मार पड़ी बोलूंगा फिर मैं सब। सीधा सीधा क्या है, छोड़ना चले जाना, इंसान की दुनिया अलग है तुम्हारी दुनिया अलग है, समझ में आया ना। इंसान से मोहब्बत नहीं करना, अल्लाह के कलाम इलाही से मोहब्बत करना, कुरान से मोहब्बत करना, उसके मोहब्बत में मिल जाना। दुनिया फना होने वाली मालूम है? नहीं मालूम है तुझे? खयामत आने वाली मालूम है? नहीं मालूम है। हाँ हशर का मैदान भरने वाला मालूम है? नहीं मालूम है। वैसे शादी भी तो करना है ना। अल्लाह फैसला देने वाला है मालूम है? नहीं मालूम है। जन्नत हो सकती है? तू जहन्नुम में जाने का कहाँ जाने का? फिर जन्नत में जाने वाले लोग ऐसे काम नहीं करते ना, जहन्नुम में होके जैसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुझे मारने लगा। तेरे बाप को बहुत समझाया था मैंने पहले कि देख तू सुल्तान है, मगर तेरे शहनशाह भी मेरे सामने पानी भरते कि तुम्हें को अल्लाह ने दिया ताकत है सब। नहीं माना, बाद में कितना मार पड़ी उसको, कैसा कर दिया कमजोर। नहीं नहीं वैसा नहीं जमता, नहीं जमता, नहीं जमता। दुनिया अलग अलग है, जाओ अपने अपने दुनिया में खुश रहो, इबादत करो अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात क्या बोलते, तो नेक बनो तो हशर में अच्छे फैसले होंगे सबके, हमें समझ में आया ना। नहीं तो बहुत मारने लगाऊंगा मैं, लगू मारने को बुलाऊ भी संसरा वालों को, मैं चाहूँ दिखाना यहाँ पे भी। हाँ तो मेरे सामने कोई बादशाह की किसी की औकात नहीं, सबको पानी भरने लगा था, मेरे गुस्सा आ गया मेरे को। वो बात मालूम नहीं मालूम। हाँ मेरे बाप को देखे मैं कितने कमजोर। हाँ मैंने कमजोर नहीं करा, तो मेरे बाप को मेरे पे इल्जाम नहीं लगाना। मेरे बाप ने टट करा था मेरे साथ बोल के, उसको कमजोर करे थी, ताकत आज मारा था मेरे साथ।
किसका क्या गया, फिर खुद ही कमजोर होकर बैठा। मैंने बहुत इज्जत से समझाया पहले, मैं बोला बादशाह है ना, बादशाह की तरह रेल, मैंने इतनी बड़ी रियासत दिया तुझे, 15 लाख की फौज दिया, कितनी बड़ी तेरी रियासत है, कितने बड़े रुतबे से अल्लाह ने तुझे नवाजा, फिर तेरा बाप पेट कर रहा था, मनमानिया कर रहा था, सुन रहा नहीं था, मैं क्या करूँ, फिर उसके बाद मारे फौज ने हमारी फौज के बाप सारे शहनशाह तेरे जितने तेरे बाप तो बादशाह था, उसके ऊपर शहनशाह सम्राट जो था उसके ऊपर की फौज है, समझ में आया, कोई भी तुम्हारी फौजों की मिसाल नहीं है अल्लाह के कलाम के सामने। इस वास्ते मनमानिया नहीं करना दुनिया में, जाना कुरान सीखना, इबादत करना, और दूसरे काफिर जिन्ना तो कबीलों पे कब्जे करना, फिर वो कबीलों पे कब्जे करो, वो चलता तुम्हारे दुनिया का रूल, कोई हमारी दुनिया में क्या गड़बड़े हैं जैसे इंसानों के, खबीसों पे कब्जे करना, उनको कलमे पढ़ाना, दीन की दावत देना, उनको ये काम करना, तो तुम्हारों के लोगों प्रेम के भी हक में अल्लाह से फैसले करेगा, समझ में आया ना, इस वास्ते चल तौबा कर जाओ उसको छोड़ के, अच्छी बात नहीं है ऐसी, अल्लाह और उसके रसूल का डर नहीं है तुझे, हाँ नहीं है, नहीं है डर, हाँ फिर दुनिया उनकी है ना अल्लाह और उसके रसूल की, फिर हमारे कैसे मन माने चलेंगे दुनिया में, बोल इस वास्ते ये गलत बात है, छोड़ उसको और छोड़ के चले जा, वरना मारने में लगाऊंगा तो फिर बाद में भूलना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सुल्तान शमशुद्दीन की बेटी को भी जुल्म दिया, बोलिए शहजादी को भी मारने लगा है, गलत बात हो जाएंगी वो, शहजादी चले जाओ वापिस जिधर से आए उधर, और अल्लाह की इबादत करो अच्छे से, अच्छी जाती जाती जाओ, शाबाश जाओ जाओ शहजादी, वापिस लौट जाओ अपने दुनिया में, जाओ अपने वालिद के साथ मिलके इबादत करो अल्लाह की ज़ाती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दरूद के नजराने भेजते रहो सुबह शाम, जाओ शाबाश जाओ। अरे मियां क्या हुआ, अरे बेटो ऊपर देखो पंखे की स्पीड कम करो जिसे, हाँ क्या हुआ था, हाँ कुछ नहीं मालूम, मैं पहले कबड्डी लड़ने के दोनों हाथ उठा खड़े हो गए थे ना अब क्या भी नहीं मालूम बोलो क्या हुआ था, वो इतर लगाया था, जाता उसके बाद कुछ भी याद नहीं, अब जो यहाँ पे इतर लगाया था ना बांध के छोड़ था, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। अच्छा इतर कौन तुम्हारे अब्बा लगा रहे थे, तो यहाँ पे इन्हों कौन है ना, तुम्हारे कौन है ना, अब्बा है। अच्छा वो क्या इतर है हाथ में, पकड़ो ऊपर उड़ा के बताओ, हाँ इतर उतना इतर लगाता वो पच जाते, उसके बाद याद नहीं, आप लगाने से याद है। अच्छा हाँ घुटनों पर लगाया था, हाँ उसके बाद, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। अच्छा एक भी सवाल याद नहीं मेरे, पहले तो तुम्हारे अंग में जिन्नात आया था, सुल्तान शमशुद्दीन बादशाह, बादशाह की बेटी आई थी शहजादी, शहजादी ने बुलाई थी बादशाह को, बोली भेज के तुम पसंद आए थे, क्या क्या शादी करने आई थी, उन्हें कुछ ऐसा बोल रही थी, क्या घर पे भी कुछ बोल रही थी हाजिर होकर, जिससे बात कर रही थी सामने आके बात कर रही थी तुमको, रोज रात में 3 बजे क्या कर रही थी सामने आकर, पर सीने पर बैठ गया थी, बातें क्या कर रही थी, चल मेरे साथ महल वो घुमा रही थी, आपने देखा था उसको, नाखून के ये निशान, ये छाती पे नाखून उतरे, बताओ ठिकरे जैसा हुआ था, बताओ निशान है, मिट गए, मिट गए वो छाती पे पूरे उतर गए थे, रेड हो गए थे, सूजन भी आ रहा था छाती पे, ये हड्डियां पर सजा रहे थे सुबह, चलने को महसूस कर, कमजोरी महसूस कर रहे थे, बाप से थोड़ी फौज लेके आए थे, थोड़ी टुकड़ी लिए थे, दिखता कितने तो भी ला के हम लेके आके, अब बोलते तुमसे शादी करने आई थी, उन्हें बोल रही थी, ये सब लोग सुन रहे थे, मगर उसको वापस समझा के मना के वापस भेज दिए, महारानी इस वास्ते नहीं लगाया मई कि अच्छा नहीं दिखेगा, उस बड़े बाप की बेटी थी वो शहजादी, उसके बाप ने भी नहीं सुना था, बोल के उसको मारने लगाया था, मैंने उसके बाप को भी नहीं मारने लगा था, मुस्लिम बादशाह लोग आए और इतने बड़े बड़े जिन्नातों के बादशाह होके मनमानिया कर रहे, बोले तो
उस वादे उसके बाप को थोड़ी धूल चढ़ाए थे। आखिरकार उसकी अक्ल ठिकाने को आ गई, वो कमजोर हो गए। तुमने तो बोली थी ना मेरे बाप को तुमने कमजोर कर दिए, बोले तो इस वक्त मैं यही थी, बोला बदला शादी करने में उससे। फिर मैंने समझाया मनाया, अल्लाह करम भेज दिए वापस, चले गई वो, अब नहीं आई। भाई पुण्यम को बात हो पुण्यम पुण्यम को पुण्यम को खुश होकर बोलते हैं क्या चीज पुण्यम को घेरा इसको लेके आता हूँ पुण्यम को आया था घेर पुण्यम को लेके आते हैं लेके आओ ना अच्छी बात है शहजादी ने उसका बाप दोनों मिलकर परेशान कर रहे थे उसको शादी करने की बोलते। इससे हो सकता है कोई अमल पढ़ाऊंगा, हो सकता कोई चिल्ले खसी करूंगा, या हो सकता कोई जिक्र अस्कार करूंगा जिसके बदल वो लोग खींच के आ गए थे और उन्हें इसके एक्स में वो हो गई जो भी था एक्सपायर्ड उन्होंने उसके मुंह से बोली थी। मगर अब तो पलटा दिया ना अल्लाह उसको। अभी नमाज तो घर से नमाज को भेजा रहे थे, बाजार में नहीं भेजा रहे थे इसको, बाजार में भेजा ना इसको। पहले इसका बाप आया, पहले कौन आया था इसके? पहले इसका बाप आया था। अब कौन आई थी? उसकी बेटी। क्या नाम था उसका? तुम आप बोली मेरे नाम रात में आके खा तुम क्या नाम बोली थी? निदा बोली। निदा 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 के मायने क्या रहते? निदा के मायने नहीं मालूम था ऐसे कैसे लोग आएंगे तो। और दूसरी बात क्या बोलते तो वो खैर उसको कुरान हदीस सब आती बोलते पढ़ने में, बोला जाप पढ़ इबादत करना तो लोगों को परेशान नहीं करना अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है चलो अगले कौन आ रहे आगे आ जाओ इधर मेरे साथ भी अलग भी हैं कुछ भी नहीं वर्ल्ड में आज खेलने आते थे कि तुम दोनों हाथ उठा के वर्ल्ड कप उठा रहे थे क्या दोनों हाथों से ले लिए वेलकम जनता के दर मारो बस यहीं खड़ा मारो जाना कभी भी आप चिराग के तेल तो है ऐसा अब पलेते नहीं है पलेते हो ऐसा मारो जिसको नहीं आने का वो नीचे मुंडी करके रखो वरना कपड़ा लगा के बस पलेते हो गए ठीक है ना कल दिन ना बना के आदमी को ले जाओ बाहर थोड़ा रेस्ट कराओ खाना वाना खिलाओ लंगर में थोड़ा घुमाओ ठीक है खोले थे वो डालेंगे ना कल डालेंगे ना चल रहा कौन कर रहा है इसको परेशान चलो लाओ उसको जकड़ के लाओ पकड़ के